क्या कुर्बानी तीन दिनों में दर्जे के लिहाज से बराबर नहीं, पहले दिन अफजल है। ईद के दिन औरत इशराक चाश पढ़ सकती है, ना पढ़ा करे। खैरुल कुरून में मुसलमान ईद से पहले और ईद के बाद नवाफिल नहीं पढ़ते थे। क्या कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकते हैं? जब वाजिब हो गई आप पर तो वाजिब की अदायगी के लिए कर्ज लेना वाजिब है। जो ज़कात दी वही कुर्बानी करे। जिया ज़कात के अलावा भी लोग हैं जिन पर ज़कात तो शायद नहीं आएगी, कुर्बानी आ जाती है। कुर्बानी के लिए कम सरमाया काफी है। पूछा है कि एक शख्स ने अपनी कुर्बानी किसी और मुल्क भेज दिया जहां ईद एक दिन पहले है। जिस जगह कुर्बानी है वहां के ईद का एतबार होना चाहिए। तकरीर में यह मसला बयान हुआ है। अल्लाह आपके इलम मरतबा सरबुलंदी आमीन। दो या तीन अफराद के घराने में एक बकरा दुम्बा या गाय के एक हिस्से कुर्बानी उसकी हो सकती, पूरे घर की तरफ से एक कुर्बानी। यानी हैवानात तोल से लेना जायज है। कुर्बानी के जानवर को किबला रुख लेटाना जरूरी है, बेहतर है। एक बकरी का मुंह टेढ़ा है तो उसकी कुर्बानी जायज है, जायज है। मैं दीनी मदरसे का तालिब हूं, मेरे पास घर में तकरीबन 37,000 रुपए की किताब है। कुर्बानी वाजिब है आप पर। क्या गैर मुस्लिम तकबीर पढ़कर जानवर ज़बह करे? गैर मुस्लिम न कहो, गैर मुस्लिम का ज़बीहा हराम मुर्दार है। यहूदी या नसरानी, ईसाई या यहूदी, जब वो अपने मजहब के मुताबिक ज़बीहा कर ले तो जमहूर के नजदीक वो हलाल और जायज है। अगरचे अब्दुल्ला इब्ने उमर और कुछ अइम्मा ने उस पर एतराज किया है। एक कुर्बानी के जानवर को काबू न कर सके, कुर्बानी से पहले वो भाग निकला, फिर उसके ऊपर गोलियां मारी पिस्तौल से, फिर कलाशनकोफ से। बहरहाल ये तदबीर हदीस में भी आई है कि जब जानवर बितके और न पकड़े तो फरमाए यही कर लो, कुर्बानी दुरुस्त और सही है उसकी। आया में कुर्बानी गुजरने के बाद पता चला कि कुर्बानी में एक शरीक गैर मुस्लिम का, अब क्या होगा? सातों के साथ कुर्बानियां मुर्दार हो गई, किसी की भी नहीं हुई, और कुर्बानी की रकम दोबारा गरीब मिस्कीन मुसलमान को सबका खैरात करे। यानी वक्त गुजरने के बाद कुर्बानी का तसद्दुक बिल कीमत है।